हेलो स्टूडेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यून सिस्टम के पार्ट थर्ड में मैं आपको बताऊंगी। अब आगे इसमें आप देख रहे हैं ये हमारा ह्यूमन जो सिस्टम है, मैंने आपको बताया था कल कि इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है। सबसे नंबर वन इनैट इम्यूनिटी, दूसरा अडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इनैट इम्यूनिटी के बारे में कुछ क्वेश्चंस। इनैट इम्यूनिटी हम लोग की बॉडी में, इनैट इम्यूनिटी हमें जन्मजात मिलती है, इट इज़ बाई बर्थ इम्यूनिटी एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स प्रेजेंट इन इनैट इम्यूनिटी। एंड आप देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब स्किन बैरियर, म्यूकस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का ट्रैक, ये सब कुछ हमें बाई बर्थ मिलता है, जो इसमें कभी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है पहला, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रेजेंट इन इनैट इम्यूनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि वो ऐसी इम्यूनिटी जिसमें कोई मेमोरी नहीं बनती है, मेमोरी सेल नहीं बनती है, वो भी आंसर आपका इनैट इम्यूनिटी है। एंड जो इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं होती है वो इम्यूनिटी भी आपकी इनैट इम्यूनिटी होती है। तो ये सब हमने कल पढ़ा था, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था और ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि अब जो ब्लड सेल्स आपकी हैं, क्योंकि अभी तक हम फिजिकल बैरियर, बाहर बाहर के बैरियर की बात कर रहे थे जो हमें दिखाई देते हैं, या जो हमारे इंटेस्टाइन वगैरह पे बाहर बाहर से अवेलेबल हैं, जो केवल बाहरी रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो टिश्यू में घुले हुए हैं या ब्लड में पाए जा रहे हैं, और वो जो है कैसे वर्क करके जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं। तो इसमें ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस की सहायता से, और साइटोकाइंस जो यहाँ पे ये प्रोटीन के टाइप होते हैं, साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, ये सब कुछ सेल से ही रिलीज़ होते हैं, ल्यूकोसाइट सेल से। ल्यूकोसाइट सेल का मीन्स ब्लड सेल से ही रिलीज़ होते हैं, WBC से। और ये सब एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, कि वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इन सबको एक्टिवेट करे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे। हम यही आज पूरा इस वीडियो में जानेंगे कि इस जो आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो क्या है। इसके बाद फिर हम अडॉप्टिव इम्यूनिटी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका कुछ ये आपका जो सेकेंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये दोनों मिलकर के ही काम करते हैं। इनकी सहायता से ये काम करते हैं, इसकी सहायता से ये काम करता है, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के दो पिलर हैं, ये इनैट इम्यूनिटी एंड अडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो इनैट इम्यूनिटी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्स आर मीडिएटेड बाई ए वेराइटी ऑफ सेल एंड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स विच दे सिक्रीट, जो वो सिक्रीट करते हैं। जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया, ये सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपका जो है रॉस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, ये आपका जो है एक PAMPS है, जो है जो कि आपका पैथोजन एसोसिएटेड एक प्रोग्राम होता है। कीमोकाइंस, ये भी आपका सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स है जो कि इन्हीं सेल से ही रिलीज होते हैं और फिर ये एक्टिवेट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। ल्यूकोसाइट्स आर द सेंट्रल, ये मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ब्लड सेल अब सेंट्रल का काम करेंगी, ये थर्ड इम्यून सिस्टम, थर्ड वाले का भी हेल्प करेंगी, थर्ड लाइन वाले डिफेंस सिस्टम का और सेकेंड लाइन वाले डिफेंस सिस्टम का भी। तो ब्लड सेल्स में हम सबसे पहले WBC की बात करेंगे, जिसको हम लोग फैगोसाइट्स भी बोलते हैं। ये जो है सिग्नल, ये सिग्नल करती हैं लिम्फोसाइट्स एंड रिस्पॉन्सिबल टू साइटोकाइंस रिलीजिंग बाय द टी लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। इन्हीं से ही जो है आपका साइटोकाइंस रिलीज होता है, ल्यूकोकाइंस रिलीज होता है, जो कि टी लिम्फोसाइट को भी एक्टिवेट करता है, जो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में पाया जाता है। तो फैगोसाइट के बारे में हम लोग देखेंगे, इट इज़ टू टाइप, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट। मोनोन्यूक्लियर का मतलब वन न्यूक्लिएटेड, मोनोसाइट भी इसको बोलते हैं, और ये मैक्रोफेजेस भी कहलाता है। पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर का मतलब, यहाँ भी आपका न्यूक्लियस एक ही है लेकिन पॉलीमॉर्फिक है, यहाँ पे आपका वन न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस जो कि आपका सेम एक ही फॉर्म में है, वो अपना कोई रूप नहीं बदलता है, लेकिन आपका जो पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस है
वो देखिए न्यूट्रोफिल्स में 3 लोब्ड है, बेसोफिल्स में 2 लोब्ड है, इयोसिनोफिल्स में 2 लोब्ड है। तो ये न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल ये सब फैगोसाइट के ही प्रकार हैं, और इसका ये मोनोसाइट और ये न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, इन सब का मिल करके काम है कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को शो करना। मीन्स हमारी बॉडी में अब कोई इसकी भी कोई स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं होती, मतलब कोई मेमोरी नहीं बनती है। हमारी बॉडी में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया और वो 2-3 दिन में ठीक हो गया, दैट्स ऑल। अब हम मोनोन्यूक्लियर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लॉन्ग लिव्ड, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहने वाला मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट है, पहले प्रकार का ये मोनोन्यूक्लियर। ये मैक्रोफेजेस बहुत बड़े होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं, ये भी, ये सब WBC हैं, बस इनके प्रकार अलग हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, थोड़ा लार्ज साइज का होता है, और ये फैगोसाइटोसिस शो करता है। कोई पैथोजन ये आया, पैथोजन ने अटैक किया, ये दोनों पैथोजन से चिपके और इसने पैथोजन को इंगल्फ कर लिया और फिर जो है लाइसोसोम की सहायता से इसको पूरा गला दिया। इस मैकेनिज्म को हम अभी बाद में भी जैसे जैसे और इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम हम पढ़ते जाएंगे तो ये दोबारा भी आएगा। ये जो मोनोसाइट सेल है ये मे भी कुछ महीने भी रह सकते हैं और मे भी ईयर, यानी लॉन्ग लिव्ड। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि वह कौन सी फैगोसाइट कोशिका है जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहती, तो द आंसर इज मोनोसाइट, मोनोसाइट फैगोसाइट। दिस सेल माइग्रेट फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ये क्या करते हैं, ये माइग्रेट करते हैं हमारे ब्लड से टिश्यू के अंदर, और वहाँ जा कर के वो टिश्यू मैक्रोफेज में डेवलप हो जाते हैं और बड़ा अपना रूप कर लेते हैं, ताकि वो फटाफट जो है पैथोजन को इंगल्फ कर सकें। इसके दो मेन फंक्शन होते हैं, एक तो फंक्शन है प्रोफेशनल फैगोसाइटोसिस, मतलब फैगोसाइटोसिस करना ही जो आपका प्रोफेशन है, मेन उद्देश्य था इसका कि ये रिमूव करेगा पर्टिकुलरली एंटीजन को। उसके बाद दूसरा इसका एक काम है एंटीजन परसिस्टिंग सेल, मीन्स ये फैगोसाइटोसिस था, ठीक है। जैसे कि हम लोगों के, अगर हम इंडियन आर्मी की यहाँ पे आप बात करें, तो इंडियन आर्मी है, अगर वो बॉर्डर पे लगी हुई है और सपोज़ वो अब नहीं संभाल पा रहा है, किसी को मतलब मारना है, वो नहीं मार पा रहा है, तो क्या करेगा, वो उसको कैच करके रखेगा और एक सिग्नल, बार बार सिग्नल अपने हेड क्वार्टर को देगा कि कम एंड किल 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 इट, किल मतलब किल करिए इसको, आइए और इसको किल करिए, मैंने इसको पकड़ के रखा है, वो कुछ ऐसा सिग्नल शो करेगा। सेम हेयर, जब मैक्रोफेजेस किसी को अब नहीं इंगल्फ कर पा रहे, उनके बस का नहीं है, तो वो अपने अपने ऊपर एंटीजन को परसिस्ट करेंगे, अपने ऊपर एंटीजन को इस तरीके से परसिस्ट करेंगे, पकड़ के रखेंगे, कुछ सिग्नल देंगे, शो करेंगे। इसीलिए इनको APC बोला जाता है, एंटीजन परसिस्टिंग सेल, हुज़ रोल इज़ टू टेक प्रोसेस एंड प्रेजेंट एंटीजन पेप्टाइड्स टू द टी, किसके लिए, टी सेल के लिए। ये पेप्टाइड्स को पकड़ के रखेंगे, अब टी सेल्स यानी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो आपका मेन है, अब वो आएगा और इसको किल कर देगा, अब उसको किल कर देगा करके, ठीक है। तो ये दो इसके मेन काम हुए, पहला प्राइमरी काम तो है कि खुद उसको मारे, खुद रिमूव करे, ठीक है, लेकिन अगर खुद नहीं रिमूव कर पा रहा है तो एंटीजन परसिस्टिंग सेल में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा है आपका मॉर्फोन्यूक्लियर फैगोसाइट, तो ये आपका है दीज हैव अ लोब्ड, बहुत सारे लोब्ड में, लोब्ड इररेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, जैसा कि ये देखिए मैंने प्रीवियस में दिखाया था, ये लोब्ड हैं ये न्यूक्लियस, एक लोब, दो लोब, 3 लोब, जिसकी वजह से न्यूक्लियस ऐसा दिखता है कि कई सारे न्यूक्लियस हैं, बट ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस एक ही है, उसके कई, वो पूरा लोब्ड हो गया है, ठीक है, काफ़ी बड़ा होने की वजह से। तो इसके हम पहले न्यूट्रोफिल्स की स्टडी करेंगे, मल्टी लोब्ड, 2 to 3 लोब्स न्यूट्रोफिल्स में पाए जाते हैं। आपने कभी ब्लड रिपोर्ट भी अगर अपनी कराई होगी तो उसमें डॉक्टर्स जब भी आपको देखते हैं कि कोई फर्दर इन्फेक्शन है कि नहीं है, तो वो न्यूट्रोफिल्स की संख्या, बेसोफिल्स की संख्या, इओसिनोफिल्स की संख्या को रिकॉग्नाइज करते हैं। इट मीन्स कि ये, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सबसे पहले सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है ना, ब्लड में जा करके, तो अगर इनकी संख्या में कम ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी
में कोई दिक्कत है, तभी इनकी संख्या में कमी या ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा होने का मतलब कि कोई इन्फेक्शन है और वो उसको किल करने की अपनी कोशिश में लगा हुआ है। मोस्ट न्यूमरस बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी में, लगभग 60 से 70%। ठीक है, एंड डेवलप फ्रॉम द अर्लियर प्रिकॉर्सर एज मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। इसका मतलब है कि जिससे जी, क्योंकि आपको हम बता दें कि हमारी हड्डी में जो बोन मैरो है, बचपन में ही से लेकर अभी तक हमारी बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लड के ये कोई बोन मैरो की एक सेल होती है, प्रोजिनेटर सेल, या इसको हम लोग प्रिकर्सर सेल बोलते हैं। इसी से ही आपका ये मैक्रोफेजेस मोनोसाइट भी बना है, इसी से आपका पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर फैगोसाइट भी बना है, इसी से आपके फिर न्यूट्रोफिल, इसी से बेसोफिल और इसी से ही इओसिनोफिल बने हैं। तो आपका स्टेम सेल पहले एक ही होता है, फिर वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके विभिन्न प्रकार के रूपों में बदलता है। तो न्यूट्रोफिल्स में लाइक मोनोसाइट, मोनोसाइट की तरह दे माइग्रेट, सॉरी यहाँ पे दे होगा, दे माइग्रेट इंटू टिश्यू, पर्टिकुलरली एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। अब जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, सपोज़ अगर हमारे टॉन्सिल्स में कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो मैक्रोफेजेस हमारी बॉडी से या न्यूट्रोफिल्स जो है बह करके ब्लड के साथ आएंगे, पर्टिकुलर साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे जाएंगे और वहाँ पे जा करके इन्वेडर्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया वायरस को किल करने की कोशिश करेंगे। न्यूट्रोफिल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द बोन मैरो एट द रेट ऑफ अराउंड 7 मिलियन पर मिनट। सोचिए, 7 मिलियन, इतने ज़्यादा ये मात्रा में होते हैं कि 7 मिलियन पर मिनट ये रिलीज़ होते हैं। और इनकी जो लाइफ होती है इनकी लाइफ, ये केवल 2 से 3 दिन होती है, बस 2 to 3 days ओनली। तो लाइक द मोनोसाइट, मोनोसाइट की तरह ही पीएमएनएस, इनको हम लोग पीएमएनएस भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है आपका पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक न्यूट्रोफिल्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एडहेयर टू इंडोथीलियल सेल लाइनिंग। देखिए, इस फिगर से हम आपको बताते हैं कि ये हमारे ब्लड कैपलरी है, ये इसको हमने TS कट किया हुआ है, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो इसके अंदर ये ब्लड बह रहा है और ब्लड में आपके ये न्यूट्रोफिल पाए जा रहे हैं। तो कह क्या रहा है कि ये जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, ये एडहेयर हो जाएंगे, जाकर के चिपक जाएंगे हमारे ये एक जो है, या स्क्वीज़ करेंगे बिटवीन इंडोथीलियल्स, चिपक जाएंगे इंडोथीलियल सेल से, जाकर के चिपक जाएंगे। ये देखिए, ये था, फिर इंडोथीलियल सेल से आकर के चिपक गया एंड लीव द सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन को छोड़ देंगे। लीव मीन्स छोड़ना, लीव द सर्कुलेशन। दिस प्रोसेस, यह प्रक्रिया कहलाती है डायपडिसिस। ठीक है, ये देखिए, ये आप यहाँ पे सपोज़ ये हमारा टिश्यू है, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो ये फटाफट जो है ब्लड वेसल को छोड़ करके, लीव करके इस जगह पे आ रहे हैं। तो ब्लड वेसल्स से रिस रिस करके, रिसाव, एक्स्ट्रा वेस्टेट मीन्स रिसाव, लीक लीक हो करके टिश्यू में आ जाना, ये कहलाता है डायपिडिसिस प्रोसेस। ठीक है, ये डायपिडिसिस प्रोसेस कहलाता है। एडहेशन इज मेडिएटेड बाई रिसेप्टर ऑन द ग्रेनुलोसाइट एंड लिगेंड ऑन द इंडोथीलियल सेल। अब ये एडिशन कैसे होगा? ये एडिशन होगा कि जो रिसेप्टर्स मोनोसाइट के ऊपर प्रेजेंट हो और कुछ रिसेप्टर्स हमारे इंडोथीलियल सेल पे प्रेजेंट हो। तो जो रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो इन दोनों रिसेप्टर्स की सहायता से ये इन दोनों में जो है आपस में ये दोनों चिपक पाएंगे। तो और ये प्रमोटेड होता है, ये जो एडहेशन की प्रक्रिया है, ये प्रमोट करते हैं कीमोएक्टिक, मतलब कीमोकाइंस, कुछ ऐसे कीमोकाइंस, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिंस होते हैं। ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स कहीं और नहीं, हमारे मैक्रोफेजेस से ही निकलते हैं। सेम वही बात, जब मैक्रोफेजेस दूसरे को भी, भाई बॉर्डर पे जो है जब हमला हो जाता है हमारे देश पे, एक सैनिक को पता चला तो वो फिर सारे सैनिकों को बताता है ना कि कम ऑन, वो कोई सिग्नल देता है कि सब लोग आके मारे। तो सेम यहाँ पे भी है, मैक्रोफेजेस है ये, इनसे कीमो एक्टिक सब्सटेंस निकलते हैं, कीमोकाइंस, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिंस, ये सब जो है एडिशन के लिए सिग्नल देते हैं कि अब हमें जो ये जो ये प्रोसेस है आपका, ये डायपिडिसिस, इस प्रोसेस को करना है और फटाफट जा करके उस जगह पे आपको इन्वेडर्स जो आए हैं उनको किल करना है।
कीमोएक्टिक एजेंट्स फॉर न्यूट्रोफिल्स इंक्लूड प्रोटीन फ्रेगमेंट रिलीज व्हेन कॉम्प्लीमेंट इज एक्टिवेटेड ठीक है, तो ये रिलीज होते हैं कहाँ से? रिलीज होते हैं, मैंने आपको अभी बताया उस फिगर से, मैक्रोफेजेस से रिलीज होते हैं। दूसरा चीज़ फाइब्रोनलिटिक एंड काइनिन सिस्टम, इसको अभी हम और डिटेल में बताएंगे। जैसे हम आपको बता दें कि फाइब्रिनोजन हमारी बॉडी में पाया जाता है। फाइब्रिनोजन का काम होता है कि अगर हमें कहीं पे इंजरी हो गई, ब्लड ब्लड कट मतलब कट गया, तो फाइब्रिनोजन और फैक्टर एट ये सब कुछ मिल करके हमारा ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो ये फैक्टर्स कहीं और नहीं, इन्हीं फाइब्रिनोलिटिक और काइनिन सिस्टम से ही डेरिवेटिव होते हैं, इन्हीं के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, या ल्यूकिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब मैक्रोफेजेस से निकलते हैं, या प्लेटलेट्स के डेरिवेटिव होते हैं, प्लेटलेट्स से निकलते हैं, प्लेटलेट्स जा कर के अपनी निकालती है कि वो मैसेज देती है कि जो है सब एक्टिव हो जाइए, मतलब एडिशन को एक्टिव करिए, मतलब मैक्रोफेजेस को एक्टिव करिए। और कुछ बैक्टीरिया भी ये काम करते हैं कि जब वो खुद ही मतलब बैक्टीरिया अपना सिग्नल देते हैं। कीमोएक्टिक स्टिमुलाई रिजल्ट इन न्यूट्रोफिल्स माइक जो है वो क्या है, मार्जिनेशन करने के लिए काम करता है। कैसे, आइए देखते हैं। अब ये फैक्टर एट है, फैक्टर एट ये से फाइनली देखिए फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम फंक्शन टू रिमूव द क्लॉट। एक तो फाइब्रिनोजन या प्लाज्मोजन ये आपका काम आता है क्लॉट करने में। दूसरा जो फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम है उसका काम है कि अगर बॉडी के अंदर कहीं क्लॉट हो गया है तो उस क्लॉट को भी डिग्रेड करिए, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर हम उस क्लॉट को डिग्रेड नहीं करेंगे तो हमारे सिस्टम जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा, और ब्लॉकेज इज़ नॉट गुड। तो ये जो आपका पाथवे है ये जो है ये देखिए फैक्टर एट ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉट करने में। फैक्टर एट का दूसरा भी ये पाथवे है, फैक्टर एट जो है आपका प्री कैरोलिन बनाता है, उससे कैरोलिन का फॉर्मेशन होता है, फिर ब्रेडाकाइनिन बनता है। ब्रेडाकाइनिन इज़ ए हार्मोन, ये हार्मोन जा करके हमारी जो नसें हैं जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ढीला कर देता है और वैसो डायलेशन कर देता है, ऐसे मैंने लिखा भी होगा, वैसो डायलेशन कर देता है। और वैसो डायलेशन का मतलब अब ब्लड जो है काफ़ी धीरे धीरे फ्लो करेगा, और जब ब्लड धीरे धीरे फ्लो करेगा तो हमें ये एडिशन का या हमारे मैक्रोफेजेस को काम करने का ज़्यादा समय मिलेगा, ठीक है, हमारे ब्लड जो ये हैं इनको काम करने का ज़्यादा समय मिलेगा। और सेम यही काइनिन सिस्टम भी है, इट इज़ ए हार्मोनल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्रोटीन दैट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लामेशन, वहाँ पे जलन पैदा करेंगे ये, जिसकी वजह से ये जो है ये सिस्टम फिर काम करना शुरू करेगा। फैक्टर एट इसमें कन्वर्ट करेगा, ये कैरोलिन में कन्वर्ट करेगा, कैरोलिन ब्रेडाकाइन में कन्वर्ट करेगा, और ब्रेडाकाइन एक हार्मोन है जो वैसो डायलेशन कराता है, इम्पॉर्टेंट है। वैसो डायलेशन मतलब डायलेट फैलाओ, हमारी ब्लड वेसल्स का फैलाव, और ब्लड वेसल्स का फैलाव होगा तो थोड़ा वक्त मिल जाएगा हमारे जो है सेल्स को, न्यूट्रोफिल सेल को अपना काम करने के लिए, ठीक है। ये इसी तरीके से ये आपका फाइब्रिन वाला सिस्टम है, ये यहाँ तक सब सेम है। उसके बाद ये जो प्लाज्मिन है, प्लाज्मिन जा कर के फाइब्रिन को फाइब्रिन डिग्रेडिंग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। फाइब्रिन का काम क्लॉटिंग कराना है, और इसका काम जो है क्लॉट को डिस्ट्रॉय करना है बॉडी के अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आशा करते हैं कि आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अब धीरे धीरे आपको इसको कई बार सुनना है, और तब आपको इसके कॉन्सेप्ट जो इनैट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा। थैंक यू, अगर प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।